श्री अकाल, क्या हालचाल। तो किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जीबी नंबर वन मतलब गाय बकरी घास, क्योंकि ये एक संकर ज्वार का स्वरूप है। तो जो हम ज्वार एक बार बोते हैं और एक बार बोने के बाद उसका सिंगल कटाई हम लेते हैं, और कटाई होने के बाद हमको क्या होता है कि जो खेत की मशक्कत होती है, मशक्कत करने के लिए, बार बार डालने के लिए, निकालने के लिए, ये किसानों को पूरता नहीं। तो ये जीबी नंबर वन गाय बकरी घास एक बार लगाने से 3 साल तक चलता है। किसान भाई, आप इसके जड़ देखते हो, ये पौधे हमने जो लगाए थे, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बीज डाला था। इस बीज के ये जो पौधा है, ये पौधा इस तरह से बन चुका है, एकदम घना। इसका फुटाव भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप देख सकते हो इतना इसका हाइट, आप ऊपर देख सकते हो इसका हाइट भी कितना गया है, कम से कम 12-13 फीट तक इसका हाइट गया है। तभी भी ये पूरा हरा भरा ही है। हरा भरा होने के कारण पशु भी इसे बड़े चाव से खाते हैं, और जो हमारा जो वेस्टेज हम बोलते हैं, ये वेस्टेज 0% इसमें होता है, और ये एकदम लचीलापन रहता है। किसान भाई, आप देख सकते हो ये इतना 3 महीने का हो गया है, 12-13 फीट के हाइट पर भी गया है, तो एकदम ये लचीला रहता है, ठीक है। और अपने पशुओं को खाने के लिए एकदम पौष्टिक भी रहता है। आप देख सकते हो इतना हाइट जाने के बाद भी किसान भाइयों, ये पूरा एकदम हरा भरा, एकदम ग्रीन है। अपने पशु भी इसे बहुत प्यार से, बड़े चाव से खाते हैं, और हाइट के लिए भी एकदम जबरदस्त है। और हमें बार बार लगाने का, हम इसे बार बार लगा भी नहीं सकते, एक बार लगा के 3 से 4 साल तक ये आराम से चलता है। इसकी हाइट प्रॉपरली नापने वाले हैं, तो इसका हाइट कितना बनता है ये हम आपको लाइव स्वरूप में दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे पास नापने का मीटर टेप है, इससे हम क्या करने वाले हैं, जीबी नंबर वन का पूरा हाइट आज नापने वाले, ठीक है। तो इसका हाइट हम नापते हुए कि 3 महीने में 2.5-3 महीने में जीबी नंबर वन का हाइट कितना होता है प्रॉपरली हम देखने वाले है। तो ये क्या होता है किसान भाई, थोड़ा सा ये साइड का रहता है, तो छोटा रहता है, तो आगे एकदम ये अंदर घना और लंबा बन चुका है। तो हम थोड़ा अंदर जाकर इसका नाप लेते हैं और आपको बताते हैं कि 3 महीने में इसका हाइट कितना जाता है। तो पूरा हम इसका नाप लेने वाले हैं कि जो जीबी नंबर वन है इसका प्रॉपरली हाइट कितना बनता है, ठीक है किसान भाई। तो इसका हाइट बहुत गया है, अभी 5 फीट किसान भाई इधर है। तो हम इसका पूरा नाप लेते हैं एकदम अच्छी तरह से, इसका प्रॉपरली हाइट कितना गया है। तो ये आप ये करते हैं, तो किसान भाइयों, आप इधर देख सकते हो ये पूरा लाइव आपके सामने, इधर 15 फीट है जो इसका आखिरी जो पत्ता है, 15 फीट से भी थोड़ा सा ऊपर गया है। तो किसान भाइयों, लगभग इसका आपके सामने लाइव इसका नाप लिया जा रहा है, तो 15 फीट के आसपास इसका आप देख सकते हो। टेप में कोई गुंजाइश नहीं है, हमने टेप जो ऐसा पकड़ा है, तो आप देख सकते हो थोड़ा फार हम इधर उधर भी कर देंगे तो किसान भाइयों क्या होता है कि इसका प्रॉपरली पूरा हाइट हमें पता चलता है। तो देख सकते हो आप किसान भाइयों, हमने आपके सामने लाइव में मोजा है कि जो जीबी नंबर वन का हाइट आपने देखा होगा कि इस चारे में अब तक ऐसा चारा आपने देखा भी नहीं होगा। ज्वार की ये प्रजाति है, ज्वार में जीबी नंबर वन की ऐसी प्रजाति शामिल हुई, कारागिर हुई कि अपने पशुओं के लिए भी खाने में भी बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, इसका नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हो कि पूरा एक हरा है, ग्रीन है। इसके जो पत्ते होते हैं किसान भाई, ये पत्ते, इसके जो पत्ते हैं नीचे से लेकर पूरे आखिरी कोने तक इसके पत्ते पूरे हरे भरे। इसी वजह से क्या होता है किसान भाइयों कि इसका वेस्टेज होता नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे चारे है कि जो
इतनी 15 फीट की ऊंचाई गाट लेते हैं तब क्या होता है किसान भाइयों, इसमें से आधा जो हिस्सा रहता है आधा हिस्से में क्या हो जाता है कि उसके पत्ते पूरे से सूख जाते हैं, मुरुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके आपके सामने रिजल्ट है किसान भाई, आप देख सकते हो, आप कौन सा भी देखो, इसका हाइट 15 फीट तक चला गया है मगर इसके जो पत्ते है एकदम हरे भरे ही आपको दिखाई देते होंगे, आप देख सकते हो किसान भाइयों। तो और एक किसान भाई आपको बताता हूँ कि आपको इतनी हाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं किसान भाई, इसका सीड्स पकड़ते हैं, हमारे सीड्स प्लॉटिंग का है इसलिए इसका हाइट इतना गया है। तो भी आपको भी मैंने दिखा लिया है, अभी इसका सीड्स नया तैयार होने वाला है, तो इसका सीड्स ऑल ओवर इंडिया में भी हम किसानों को बेचते हैं, हमारे हाथ से खुद इसका सीड्स तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद बहुत बाकी सारे किसान लोगों को हम उपलब्ध करवा देते, ठीक है। तो किसान भाई इसका एक बार लगाने से 3 साल तक चलता है, मल्टी कटिंग में जाता है, 2x1 पर इसका बुआई किया जाता है, एक बार लगाने से 3 साल तक सिर्फ आपको काट के अपने पशुओं को ये हरा चारे में इस्तेमाल करना है। आपके पास चाप कटर होगा, चाप मशीन होगा, चाप से आप इसको क्या कर सकते हो, काट कर अपने पशु को खिला सकते हो। तो किसान भाई देख सकते हो बहुत अच्छा चारा है, GB No. 1 पूरा लाइव आपके सामने मैंने दिखाया है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ग्रीन है, तो ठीक है। तो किसान भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, कि इससे क्या होगा कि ऐसी चारे संबंधित खेती संबंधित हम वीडियो बनाते रहते हैं, इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। जय जवान जय किसान।